Cusino. Ah, such yummy cakes. Hello, namaste, Adab and Satsriya Kal. I am Chandini and welcome to my fun space. Welcome to weekly vlog number 4. Aaj ka din hai 6th of August aur aaj ka din bahut special hai kyunki mere maasi ka happy birthday hai. Happy birthday, Masi! वो यहाँ बैकग्राउंड में बैठी है, स्वतः पागल वाली हरकतें कर रही है. मेरी मम्मी बीमार थी लास्ट वीक और अभी रिकवर कर रही है. एंड ओ माई गॉड, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू सी स्वतः इन दिस ब्लॉग, लाइक लिटरली. वैसे अभी हम लोग जस्ट अभी शाम के कितने बज रहे हैं गाइस? ऑलमोस्ट 5:30 या 5:30 बज रहे हैं. हम लोग अभी केक लेकर आए हैं और हमारे फैमिली में कितना एकदम विचित्र ट्रेडिशन है कि जिसका बर्थडे होता है वही केक लेने जाता है. वो भी खुद के लिए नहीं, ताकि दूसरे लोग खा सकें. तो मैं और मासी अभी जस्ट केक लेकर आए हैं एंड आज हम लोग ने मेरवांस से केक लिया है. थोड़ी देर में मैं आपको केक ज़रूर बताऊंगी और वहाँ के हमने टेस्टी टेस्टी डिलीशियस पैटीज़ भी लिए हैं. हमने सोचा बाहर रेस्टोरेंट में जाकर फालतू खाना खा के इतना सारा पैसा खर्चा करने से अच्छा है मेरवांस के पैटीज लेकर आए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी एंड वेरी रीजनेबल. तो सारे लोग वही खाने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी केक, चिप्स एंड पैटीज. सीरियसली, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम ब्रो? लेट मी शो व्हाट स्वाता इज डूइंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर अ मदर्स बर्थडे. दिस इज प्योर एक्साइटमेंट ऑफ अवर मदर्स बर्थडे. स्वाता एब्सोल्युटली अभी शाम के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू लव्ड वंस. वो लोग आने के बाद हम लोग केक काटने वाले हैं. मेरे बाल यार कितने बढ़ गए. आई रियली रियली नीड अ हेयर कट. मैंने सोचा था कि मैं आज जाऊंगी पर आज तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो अब मैं कल जाने वाली हूँ हेयर कट के लिए. बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गया है और ऑल दो बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन तो भी ह्यूमिडिटी बहुत है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इतने बालों में भी. तो जो लोग हैं लंबे वाले, हैट्स ऑफ टू यू गाइस. पता नहीं आप लोग लाइक कैसे रहते हो लंबे बालों में और वो भी खुले खुले, तो माय गॉड कितनी गर्मी होती होगी. या फिर शायद मुझे ही गर्मी होती है, मुझे पता नहीं है. अभी हमने बहुत सारे फोटोज़ निकाले. आई एम सो एक्साइटेड. मुझे बर्थडे बहुत पसंद है. बचपन से ही मतलब मेरा बर्थडे एकदम ग्रैंड तरीके से मेरे घर वाले मनाते थे. दैट इज़ वाई मुझे बर्थडे का बहुत शौक है, भले वो मेरा हो किसी और का हो. मुझे बहुत मज़ा आता है केक काटने में, गिफ्ट्स रिसीव करने में. आई मीन गिफ्ट्स के लिए तो बर्थडे नहीं भी हो तो भी बहुत मज़ा आता है. सो आप मेरे साथ केक कटिंग देखने वाले, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. जैसे आप लोगों को पता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ साधारण सा खाना बना रही हूँ, बिकॉज उनको कुछ मसालेदार नहीं दे सकते. तो यहाँ पर मेरे पास है आलू, प्याज और टमाटर और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बनाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. और यहाँ पर मैंने ऑनियन को रफली चॉप किया है एंड चंक्स बड़े बड़े मैंने टमाटो के रखे हैं. एंड यहाँ पे आई हैव आलू, इसको भी मैंने ऐसे बड़े बड़े चंक्स में रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है. आई हैव टू वॉश दिस एंड दीज टू आर ऑलरेडी वॉश. सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द राइस दैट आई एम गोइंग टू मेक. यहाँ पर आलू को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है. यहाँ पर टमाटर और कांदा जो मैंने पहले दिखाया था एंड यहाँ पर मैंने ये लिया है राइस और मसूर दाल, जिसको मैंने 3 times अच्छे से वॉश किया है. तो बेसिकली ये पुलाव जैसा नहीं होने वाला, इट्स मोर लाइक खिचड़ी. एंड दिस इज़ द कुकर इन विच आई विल बी मेकिंग. तो अभी मैं गैस गरम करती हूँ एंड देन आई शो यू कि एग्जैक्टली मैं इसमें क्या क्या मसाले डालती हूँ.
मैंने एटलीस्ट 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा आई विल ऐड द स्पाइसेस और हाई फ्लेम पे मैं इसको गर्म कर रही हूँ। हे गाइस, आई एम सॉरी, राइट नाउ मैं एकदम चपड़ गंजू लग रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। वैसे भी घर में जब लेडीज़ लोग खाना बनाते हैं तो कंधे पे ऐसा एक कपड़ा और हालत कुछ ऐसी रहती है पसीने में, इतने गर्मी में, पता नहीं। हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉम्स जो खाना बनाते हो, मतलब आप लोग कैसे करते हो इतने गर्मी में, आई हैव नो क्लू। तो इसलिए मेरा हालत अभी कुछ ऐसा है। बाय द वे, मैंने सोचा था कि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के मैं व्लॉग करके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, बट यार इट्स वेरी टफ। एक हाथ में कैमरा पकड़ के आप मतलब कुकिंग वगैरह ये सब नहीं होता, मेरे से नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया एंड कैसे कि कैमरा पे अगर तेल वेल गिरा तो बाबा वो बहुत टेंशन वाला काम है। और सबसे बड़ा सीन तो ये हो गया कि गरम गरम तेल में जब मैंने राई डाला और जब वो स्प्लटर किया, आई रैन आउट ऑफ द किचन। मुझे चटके से बहुत डर लगता है एंड आई रैन आउट ऑफ द किचन एंड माई मॉम वाज लाइक, व्हाट काइंड ऑफ कुकिंग हैव आई, व्हाट काइंड ऑफ कुकिंग इज दिस, आई हैव टॉट यू बेटर देन दिस बेटा। ओ गॉड, लेकिन क्या करूँ यार, मेरे को चटके से बहुत डर लगता है। एंड देन आई जस्ट रैन आउट ऑफ द किचन एंड जब वो स्प्लटरिंग बंद हुआ, आई एडेड हींग इन दैट एंड आई एडेड कांदा, आई मीन प्याज, और अभी अब जस्ट वेटिंग। तो मैं दिखाती हूँ अभी कि किस तरीके से कांदा बन रहा है एंड आफ्टर दैट आई बी एडिंग आलू और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अभी मैं बीच बीच में या तो फिर शायद ऐसे कुछ स्निपेट्स दिखाऊंगी या फिर डायरेक्टली आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अभी फ़िलहाल ये सिनेरियो है, ऑनियन जो है वो पक रहा है, कैमरा ज़्यादा पास नहीं लेके जा सकती वरना मेरा कैमरा भी फ्राई हो जाएगा साथ में। तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गेट अ लिटिल बिट गोल्डन ब्राउन एंड उसके बाद आई विल पुट द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। फाइनली 5 सीटी हो गए हैं, देखते क्या गुल खिला है अंदर, आई एम सो नर्वस। Oh my word, it's looking so good. Yummy. तो basically अगर ये अच्छा नहीं होता ना तो आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाती। डिजास्टर क्यों दिखाओ यार, लेकिन देखो कितना शानदार बना, एकदम मस्त। इसके ऊपर आएगा गर्मा गर्म घी और ठंडा ठंडा दही, आय हाय हाय हाय, अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है। मैं इसको खाना मतलब अभी खाती हूँ डिनर मम्मी के साथ एंड आप लोग तरसते रहिए और क्या है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओ माई गॉड गाइज, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आई हैड वन माई वेरी फर्स्ट गिव अवे ऑन माई फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। हर नेम इज़ मानसी एंड हर चैनल नेम इज़ मानसी नोटियाल मेहता। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू हर चैनल, प्लीज़ गो चेक आउट हर चैनल। शी मेक्स अमेजिंग हॉल वीडियोज़ एज वेल एज मेकअप ट्यूटोरियल्स। उन्होंने अपने चैनल पे ये गिव अवे रखा था फॉर लाइक व्हेन शी रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई डिड नॉट इवन इमेजिन दैट आई एम गोइंग टू विन। आई पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन्होंने ये बॉक्स में भेजा, मुझे बहुत ही जल्दी मेरा गिव अवे का सब गिफ्ट मिला। इसमें सारे मेबलिन के प्रोडक्ट्स हैं एंड लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स उन्होंने सेंड किया है, आई विल शो यू। सो हियर आर द प्रोडक्ट्स एंड इन टोटल देर आर 4 प्रोडक्ट्स, आई मीन oh my god, these are like Maybelline ke products. The first product over here is this Maybelline ka Colossal Kajal. Maine yellow wala use kiya hai, ye super black wala, this is the first time I'll be using. Maine abhi tak open bhi nahi kiya excitement ke mare. Second product is this awesome mascara, Lash Sensational, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे थे एंड दिस इज़ अमेजिंग। वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन वाटर प्रूफ किसे चाहिए यार, तो ये भी बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है, एब्सोल्युटली लव दिस। इसे भी मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, वेरी सून आई विल बी डूइंग दैट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस ऑसम मेबलिन लिपस्टिक, ये वो 299 rupees वाला है, दैट क्रीमी मैट लिपस्टिक, ये भी मुझे कब से चाहिए था एंड आई वन दिस इन द गिव अवे, आई एम सो हैप्पी। द कलर इज़ ऑल्सो सुपर्ब, वाओ, इट्स लाइक दैट रेडिश पिंकिश काइंड ऑफ अ शेड। एक मिनट, लेट मी शो इट टू यू ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड, माई कैमरा इज़ हैविंग अ मूड ऑफ इट्स ओन टूडे, देन यू विल बी एबल टू सी द कलर प्रॉपरली। एक्चुअली बैकग्राउंड भी कलरफुल है इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा है। या अभी देख सकते हो आप कलर, वाओ, मैंने एक बार इसे यूज़ भी किया है बाय द वे एंड दिस इज सच अ गॉर्जियस कलर। मुझे ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इट इज़ डार्क ऑल्सो
एंड वेरी नाइस. मैं आपको बताऊंगी यूज़ करने के बाद ये कैसा दिखता है मेरे ऊपर. एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज़ दिस गॉर्जियस मेबेलिन का मास्टर कंटूर बाय फेस स्टूडियो. इसमें है कंटूर, ब्लश एंड हाइलाइटर. आई मीन जस्ट लुक एट दिस गाइस, इट्स सो अमेजिंग. आई मीन तीनों है इस पैलेट में और इसे मैंने वैसे तो ओपन किया है लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया है. सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस. नाउ आई एम जस्ट येट टू बाय द फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड ऑल दैट. एंड वंस आई डू दैट आई ट्राई टू क्रिएट अ मेकअप लुक. नो प्रोमिसज बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. बट आई एम एब्सोल्यूटली इन लव विथ ऑल दीज फोर प्रोडक्ट्स जो मुझे मानसी ने सेंड किए हैं. और पैकिंग भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया कि कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छे से मिला. एंड आई एम सो सो हैप्पी. मेरे लाइफ का सबसे पहला गिव अवे मैंने विन किया. एंड थैंक यू सो मच मानसी, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ लुक वेरी सून. एंड आपका नाम मैं ज़रूर रोशन करूँगी. हेलो गाइस, अभी तक मैंने हेयर कट नहीं किया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है. ये वीक बहुत ही बिजी गया है. आई होप आपको मेरा वो रेसिपी अच्छा लगा हो. वो जो खिचड़ी टाइप ऑफ पुलाव है वो पेशेंट्स को दिया जा सकता है. पेशेंट एज इन कोई बीमार अगर है और उसे ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं करती हो तो उसे वो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ भी नहीं है. एंड आई होप आपको मेरा ये वीकली व्लॉग नंबर 4 भी अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर देना, शेयर कीजिए एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.